मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा के निजी आवास स्थान पर बीती रात उपद्रवियों ने पेट्रोल बम से हमला किया है। जी हां, रात करीब 10 बजे उपद्रवियों ने अपर शिलोंग के 3 माइल स्थित मुख्यमंत्री के आवास पर पेट्रोल बम फेंका है। हालांकि इस हमले में किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। यहां आपको बता दें कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन हनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल के पूर्व महासचिव चेरिस्टर फिल थैंक यू के एनकाउंटर को लेकर राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। एनकाउंटर के विरोध में उपद्रवियों ने राजधानी शिलोंग में वाहन को आग के हवाले कर दिया। गारीखाना इलाके में बदमाशों ने वाहन में आग लगा दी। वहीं इससे पहले जायाओ में शनिवार की रात उपद्रवियों ने पुलिस की टीम की पेट्रोलिंग वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। यहां बता रहे इस वक्त की एक बड़ी खबर, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा के निजी निवास स्थान पर बीती रात उपद्रवियों ने पेट्रोल बम से हमला किया। जी हां, रात करीब 10 बजे उपद्रवियों ने ऊपर शिलोंग के 3 माइल स्थित मुख्यमंत्री के आवास पर पेट्रोल बम फेंका। हालांकि इस हमले में किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। यहां आपको बता दें कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन HNLC के पूर्व महासचिव चेरिस्टर फिल थैंक यू के एनकाउंटर को लेकर राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। एनकाउंटर के विरोध में उपद्रवियों ने राजधानी शिलोंग में वाहन को आग के हवाले कर दिया। वहीं गारीखाना इलाके में बदमाशों ने वाहन में आग लगा दी। इससे पहले जायाओ में शनिवार की रात उपद्रवियों ने पुलिस की टीम की पेट्रोलिंग वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। वहीं राज्य सरकार ने हालात को देखते हुए राजधानी शिलोंग में कल रात 8 बजे से 17 अगस्त तक के लिए कर्फ्यू लागू कर दिया है। इसके अलावा 4 जिलों में तत्काल के लिए इंटरनेट सेवा स्थगित कर दी गई है। वहीं शहर की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। CRPF को शहर में फिलहाल तैनात किया गया है। यह आपको बता दें कि गत 13 अगस्त की सुबह पुलिस एनकाउंटर में HNLC के पूर्व नेता चेरिस्टर फिल थैंक यू मारा गया है, जिसके पार्थिव शरीर को रविवार को उसके पैतृक स्थान माउलाई में रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं माउलाई के लोगों ने कल एनकाउंटर के विरोध में काला झंडा लेकर रैली निकाली। और इस खबर पर हम जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रोजर सांगमा से, जो इस वक्त शिलोंग में मौजूद है। जी रोजर, मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर पेट्रोल बम से हमला किया गया है, तो इस वक्त आप शिलोंग के ताजा हालात के बारे में हमें क्या बता सकते हैं, कैसे है हालात वहां पे? जी मानसमिता, सही बताया आपने। 13 अगस्त के मुठभेड़ के मद्देनजर शनिवार शाम से शिलोंग शहर में छिटपुट घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें HNLC के पूर्व नेता बास चेरिस्टर फिल थैंक यू की मौत हो गई थी। राजधानी शिलोंग में जारी आगजनी और हिंसा के मध्य में बदमाशों ने मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा के लाइमेर इलाके या अपर शिलोंग में जो 3rd माइल में जो स्थित उनका निजी आवास पर बीती रात को करीब 10:15 बजे को 2 पेट्रोल बम फेंके। और मीडिया सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि 4 अज्ञात युवकों ने पेट्रोल बम फेंका था। एक पिछवाड़े और एक परिसर के अंदर ये पेट्रोल बम गिरा। पिछवाड़े में जो बम गिरा था वो फट गया लेकिन जल्दी ही बुझ गया, जबकि दूसरे घर से थोड़ी दूर कैंपस के अंदर दूसरा जो पेट्रोल बम है घर के थोड़ी दूर कैंपस के अंदर जाके गिरा। जानकार सूत्रों ने बताया कि बम हमले में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद चारों युवक मौके से फरार हो गए। इस बीच अन्य एक मामले में पुलिस ने तानापुर मौलाई इलाके में कल रात करीब 10 बजे फायरिंग की। पुलिस को गोली चलाने के लिए किस चीज ने प्रेरित किया अभी तक हमें पता नहीं चला है। इसकी तत्काल में हमें नहीं पता चला है क्या हुआ था, तो विवरण की प्रतीक्षा है अभी। और अन्य एक इंसिडेंट हुआ था कल रात को, तो लोगों और CRPF के बीच में पथराव की सूचना भी मिली थी हमें। और कल रात लगभग 9:30 से 10 बजे को मौलाई नंगवार ब्लॉक ए में हुई थी ये घटना कथित तौर पर। और दूसरी एक घटना भी हुई थी कथित तौर पर, CRPF द्वारा एक प्रेस वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था और वाहन के चालक भी कथित रूप से हमले मतलब
उन पर हमला भी हुआ था, ऐसा ऐसा बताया जा रहा है। तो ये सब घटना कल घटी थी जी रॉजर। और इसके अलावा अगर हम बात करें गृह मंत्री के अपने पद से इस्तीफा देने की, तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि सरकार के भीतर भी इस एनकाउंटर को लेकर दो राय है? जी जी बिल्कुल, आपने सही बताया। जैसे कि जिस 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 तरीके से उन्होंने अपना इस्तीफा देने का वो निर्णय लिया है, अपने सारे लीडर्स वो एक्चुअली नोंगसोइन में थे, तो नोंगसोइन से जब लौटे अपने सारे जो लीडर्स हैं अपने यूनिटी के लीडर्स से उन्होंने मुलाकात की और ये डिसीजन लिया कि वो अपने अपने होम मिनिस्टर पद से वो इस्तीफा देंगे। हालांकि एजुकेशन उनके पास रहेगा, एजुकेशन का जो वो है बर्थ, लेकिन जो होम मिनिस्ट्री बर्थ है उन्होंने कहा है कि उन्होंने रेजिग्नेशन देने का फैसला किया है। जी रॉजर, और आखिरी सवाल आपसे, फिलहाल शिलांग में कर्फ्यू लागू है और हालात में अगर सुधार नहीं हुआ तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है, तो ऐसे में शिलांग में फंसे दूसरे राज्यों के लोगों को वहां से निकालने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, ट्रांजिट अभी जैसे जैसे हमें पता चला है कि ट्रांजिट पे कोई असर तो नहीं है, लेकिन जैसे कि कुछ लोग जो फंसे हुए हैं अभी तक उनको क्या प्रतिक्रिया होगी, उनको कैसा निकाला जाएगा, अभी इसकी डिटेल्स हमें नहीं है, लेकिन हम इसकी जानकारी लेंगे सरकार से और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से उनसे बात करते हैं।